हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम हिमांशु फ्रॉम शिव कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली पीएफ सब्सक्राइबर्स को एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं, रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयर, देयर कंपनी ओनर्स। उनकी जो कंपनी वाले हैं वो उनकी केवाईसीज़ को या तो अप्रूव नहीं करते या फिर उनके पीएफ अकाउंट में कोई अपडेट करनी होती है वो अपडेट प्रॉपरली नहीं करते, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़, वो पीएफ के मेंबर्स अपना पीएफ विड्रॉल नहीं कर पाते। तो क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है, कैसे आप अपनी कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, इसको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो अगर आपका एम्प्लॉयर, आपके कंपनी वाले आपकी केवाईसी को अप्रूव नहीं कर रहे या फिर आपके पीएफ अकाउंट में कोई जो अपडेट है जो वो एज एन एम्प्लॉयर कर सकते हैं, एज ए कंपनी ओनर कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, जिसकी वजह से आप अपना पीएफ विड्रॉल नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ की कंप्लेंट आपको ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में करनी होती है। अब क्या आपको वहाँ पर फिजिकली जाना होगा कंप्लेंट करने के लिए? तो ऑब्वियसली नहीं, आप ऑनलाइन भी इसको घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही फाइल कर सकते हैं। तो इसको कैसे फाइल करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊँ, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल सर्च करना है और इस वाले लिंक के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद में आप आ जाओगे सीधे ईपीएफओ की ग्रीवेंस पोर्टल के ऊपर। इस टाइप का ग्रीवेंस पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। द लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको गूगल से सर्च करके नहीं जा रहा तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें से आपको सबसे पहले रजिस्टर ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे चार ऑप्शंस नज़र आएंगे, इसमें से आपको पीएफ मेंबर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा डू यू हैव ए क्लेम आईडी। तो अभी अपन किसी भी पर्टिकुलर क्लेम से रिलेटेड ग्रीवेंस या फिर कंप्लेंट नहीं डाल रहे, तो सिंपली आपको इसको नो सेलेक्ट कर देना है। एंड देन उसके बाद में आपको अपना यूएन नंबर डालना है यहाँ पर। एंड देन उसके नीचे आपको कैप्चा फिल करके गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे उसके बाद में क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक 5 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा जो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप अपना ओटीपी सबमिट कर दोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और कैप्चा फिल करना है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो मैंडेटरी नहीं है तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हो। और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे अपनी सेलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवेंस अगेंस्ट, तो यहाँ पे आपको अपनी पीएफ मेंबर आईडी वो वाली सेलेक्ट करनी है जिससे रिलेटेड जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी वाले हैं वो आपकी केवाईसीज़ नहीं कर रहे या फिर कोई इशू आप उनसे फेस कर रहे हो, तो वही पर्टिकुलर मेंबर आईडी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। अगर आपकी मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल मेंबर आईडीज़ है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एक ही मेंबर आईडी है तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड उसके बाद में आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रीवेंस रिलेटेड टू 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीएफ ऑफिस, एम्प्लॉयर, ईडीएलआई एंड प्री पेंशन। तो सिंपली आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में ग्रीवेंस डालनी है, तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे और नीचे ग्रीवेंस कैटेगरी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस टाइप का एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। एंड देन इस ड्रॉप डाउन में आपको सबसे नीचे ही नीचे केवाईसी रिलेटेड इश्यूज़ मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा आपको और भी मल्टीपल रीज़न देखने को मिल जाएंगे इस ड्रॉप डाउन में, जिसको सेलेक्ट करके आप अपनी कंपनी वाले के अगेंस्ट में पर्टिकुलर केसेस की ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना सारा का सारा मैटर डिटेल में लिख देना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है और आपके एम्प्लॉयर जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे या फिर जो भी आपका काम है वो किस वजह से नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर देनी है। एंड अगर आपके पास में आपने उनको अप्रोच किया था वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उनकी जो कॉल डिटेल्स है, आपकी जो ईमेल आईडी के थ्रू अगर आपने उनको अप्रोच किया है, तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स भी लेकर के आप अपनी एक पीडीएफ बना सकते हो और उसको यहाँ पर सिंपली अटैच कर सकते हो। और जैसे ही आप उसको अटैच कर दोगे उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड करते ही आप सीधे अपना ग्रीवेंस सबमिट कर पाओगे। जैसे ही आप अपना ग्रीवेंस सबमिट कर दोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसीव हो जाएगा। अगर आपको रिसीव नहीं भी होता तो आप यहाँ पे सिंपली जो फीडबैक के लिए एक लाइन नीचे दी गई है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू शेयर योर एक्सपीरियंस वाली, यहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको सेव करके अपने पास में रख सकते हो। ऑल्सो आपको ये ग्रीवेंस पोर्टल का जो फीडबैक है वो पूछा गया, तो आप ये फीडबैक भी सबमिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स के अंदर ईपीएफओ डिपार्टमेंट आपको रेस्पॉन्ड कर देगा। होपफुली वो आपके कंपनी वाले को ही कॉन्टैक्ट करके जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में समझा देगा और उनको कह देगा कि आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व करें एज सून एज पॉसिबल। और हो सकता है कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट ये ना करके आपको भी कोई अलग एडवाइस दे कि आपको एक पर्टिकुलर एक्शन लेना है, तो वो पर्टिकुलर एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे जो भी ईपीएफओ डिपार्टमेंट
आपको डिस्क्राइब करके देगा। अब रही बात इसकी कि कैसे आपको पता चलेगा कि ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने आपको ग्रीवेंस पे रिप्लाई दे दिया है, तो सिंपली जैसे ही डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई करेगा तो आपके पास में एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा। ऑल्सो अगर आप खुद से इसको मैनुअली चेक करना चाहते हो तो अगेन आपको ईपीएफओ के ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर के यहाँ पे ऊपर ही ऊपर व्यू स्टेटस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है, एंड देन उसके बाद में कैप्चा फिल करके आप अपना ग्रीवेंस का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये दोनों केसेस की बात हो गई जो आपके एम्प्लॉयर्स कर सकते हैं, आपके कंपनी वाले कर सकते हैं। बट इसके अलावा काफ़ी सारे और भी इशूज़ होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को लगता है उनके जो कंपनी वाले हैं वो नहीं कर रहे, बट रियलिटी कुछ और होती है, किसी और ही वजह से उनका जो पीएफ विड्रॉल है वो नहीं हो पा रहा होता है और उनकी केवाईसी में प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह वो खुद एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो क्या वो रीजंस होते हैं जिस केस में आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपको खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो टिल दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दोज वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।